सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो। बलहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार। वाहिगुरु साहिब जियो। मन पर बुद्धु हर कै नाए, दैद सुतावत आ बैठाए। मन पर बुद्धु हर कै नाए, दैद सुतावत आ बैठाए। ताको बिघन न लागे कोई, जाकर दे बसै हर सोए। कल ताती ठाडा हर नाऊं, कल ताती ठांडा हर नाऊं। सिमर सिमर सदा सुख पाऊं, पौ बिन सै पूर्ण होए आस। भगत पाए आत्म परगास, तित घर जाए बसै अविनाशी। कहो नानक काटी जम फासी, तित घर जाए बसै अविनाशी। कहो नानक काटी जम फासी। चवर छत्र तख्त दे मालक, धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की रहमत कृपा सदका आप जी अमृत वेले तो हाजरियां भर रहे हो। सतगुरु पातशाह ने कृपा की है, आओ गुरमुखो। सतगुरु पातशाह जी अमृतमयी बाणी श्री सुखमनी साहब जी की विचार जो लड़ीवार विचारते आ रहे हाँ, उसे विचार आरंभ करन तो पहला गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाइए। देहो आशीष प्यार नाल आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। समुची बाणी दा एक एक अखर एक एक शब्द बंदे दे मन नूं जगाउंदा है, हलूणा देंदा है, क्योंकि सतगुर दा बाणी दा वचन हुंदा है जागत सोवन अनक प्रकार। कि जागना सौना भी अनेक प्रकार का है। तो सतगुर सच्चे पातशाह ने आख्या कोई मन करके जागद, कोई तन करके जागता है। इस करके साहब सच्चे पातशाह ने बाणी दे राही बड़ा प्यारा दृष्टांत बख्शिश किया है कि जिन्ना चिर बंदे का मन नहीं जागता, उन्नी देर भरम विच है, भटकना विच है, दर बेदर फिरेगा। तो जो मन जाग जाता है उस दिन समझ आती भी मैं कुछ होर सी पर बन कुछ होर गया। कहिंदे एक बादशाह का पुत सी, वो अपनी यादश्त गवा बैठा। तो वो यादश्त गवाउण तो बाद भिखारियों की संगत कर लग पिया, तो भिखारियों में रह के मंगण लग पैंदा। बड़ा लम्मा समा मंगदा रहा, अपने राज भाग तो दूर चला गया सी। किसी पछाण कार बंदे ने उनू एक मंदिर दे बूहे अगे मंगदिया देख लिया। तो जिस बंदे ने पहचानिया वह हैरान होया, कोल जाके कह लगा तू मंग क्यों रहा। कह लगा भिखारियां तां मंग रहा। कह लगा तैनू पता तू कौन है। कहिंदा भिखारी हाँ, होर कुछ नहीं। कहिंदा तू बादशाह है। कहिंदा तैनू किन्ने कह दिता मैं ते मंग रहा बड़े समय तो भिखारी हाँ मैं तां। कहिंदा तू बादशाह दा पुत बादशाह है, तू अपनी यादश्त गवा बैठा। फलानी जगह ते तेरा राज सी, फलानी जगह तेरा महल बनया होया आ। उन्हें दसण तो बाद समझ आई भी वाकई जे गल सच है। जाके देखदा, जो जाके देखदा तो लोग आदर सत्कार माण भगत करते ने। तो उस दिन फिर वो अपने राज महल तक ते बैठदा है। तो इस गल का एहसास करता है भी दुनियादारी च बेअंत लोग ऐसे ने जेडे अपनी यादश्त गवा के मंगते बने हुए ने, भिखारी बन गए ने। रब ने तो उन्होंने दाते बनाया सी, रब ने तो उन्होंने बादशाह बनाया है।
मन जाग गया है, मन जागे हुए ने समझा दिता भी नहीं तू भिखारी नहीं है। तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब की बाणी भी सानू एक गल समझाउंदी भी तू बादशाह है। क्यों बादशाह है? जिसन बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह, जिहदे कोल रब की सिफत सलाह वह पातशाह है। तो यह समझ उदों आनी है जो महाराज की बाणी नाल जुड़ांगे। तो बाणी ने मन नूं जगाउणा आ, तां ही तो गुरु ग्रंथ साहिब पाठक ने जागत सोया जन्म गवाया। हे बंदे तू जागदिया ही सुता होया तो जन्म गवा लिया। इस करके पातशाह ने बार बार सुचेत किया प्रेरिया। महाराज की बाणी कहती मन प्रबोधो हर कै नाहि, प्रबोध उदार हुंदा जागना। मन मेरे तू जाग, ते मन नूं सतगुर कहिंदे जगाउणा है हर के नाए, परमेश्वर दे नाम सदका, गुरु दी बाणी सदका। मन नूं जगाउण वाला गुरु दा शब्द है। जिन्ना गुरसिखां दीआं शहादतां हुंदीआं सी, भावें वह आरे थले चीरिया जांदा, भावें वह रूह नाल लपेट के, भावें वह देगे च उबाले खा के, यह जागिया होया गुरसिखां दी निशानी है। जिन्हां दा शब्द ने मन जगा दिता, शब्द ने सुरत उची कर दिती है। बहुत सारे गुरसिख ऐसे सी जिहड़े पहलां कबरां मड़ियां नूं पूजदे सी, भाई बैलो भाई लंगा, इस तो इलावा भाई मंज आदिक गुरसिख जिहड़े जिन्हां दा मन सुता सी। पर गुरु सतगुरु महाराज दे दीदार करन तो बाद, गुरु साहिब दे बचन सुनन तो बाद मन जाग गया। ते मन जागया गुरु हर राय साहब महाराज के बचन ने सूर्य प्रकाश विच भी मन जागे कि यह निशानी मीठी लागी प्रे की बानी। कि मन जागे इहदी निशानी यह है भी मन नूं बाणी मिठी लगन लग पैंदी, बाणी चंगी लगन लग पैंदी आ। ते सतगुरु पातशाह कह रहे ने मन प्रबोधो हर कै नाए, मन नूं जगा अपने मालक दे सतगुर दे नाम नाल। क्योंकि जागना जागण नीका हर कीरत न मैं जागना, जागना चंगा आ, पर केड़ा जागना चंगा? कहिंदे हर कीरत न मैं जागना, मालक दी सिफत विच जुड़ के जागना। बेअंत गुरसिख सी सतगुरु गुरु अंगद देव पातशाह कोल एक गुजर लोहार नाम का सिख आउंदा है। धन गुरु अंगद देव पातशाह दा महाराज बाणी तो पढ़नी नहीं आउंदी, वाहिगुरु कर लैना है घड़ी बैठा, पर महाराज सतगुरु साहब की इदा मेरा उधार हो जाएगा, भला होएगा, साहब पुछदे करदा ही। कहिंदा महाराज लोहार आ। धन गुरु अंगद देव पातशाह कहिंदे अपना किरतकार विहार कर, कोई गरीब दात्री ठकाउन भी आ जाए, कई ठकाउन भी आ जाए, तो ठोक दिया करी, इन्नी क सेवा उदा ही कर दिया करी। हाँ, जिथे तेरी किरत है उथे अपनी किरत का पूरा मुल भी लैना, पर जिथे कोई गरीब गुरबा मिले, जिथे कोई वाकई वेखे तू भी ये बेचारा अपनी टुटी दात्री भी गणा फिरदा या दात्री लैन जोगे भी उहदे कोल पैसे नहीं है, तो उसकी जे इहो जिही दशा विच तू मदद कर दवें तो तेरा ये ही उधार है। ते गुरु अंगद देव साहब महाराज के गुजर लोहार ने बचन पन्ने पले बन्ने आ, ते उन्हें इदा करना। तो उन्हें अपनी दुकान दे विच जदों कोई आना ना, कोई एहो जिहा दिहाड़ीदार कोई बंदा गरीब गुरबा आना, तो उन्हें उहदा कम फ्री करना, जिहदे करके गुजर लोहार की दुकान ते अक्सर भीड़ रहिंदी सी कम कार करन वालियां दी। उन्हों लोग सत्कार माण आदर देंदे सीगे, कई खुश हो के पैसे दे वाधू भी दे जांदे सी, कोई घट भी दिंदा, पर वह गुरसिख ऐसा सी अपनी किरत की कमाई लैंदा हुंदा सी। एक दिन ऐसा होया, दो सगे भरा किसी झूठे ही केस च फसा के जेल च बंद होए सीगे। उतों निकल आए रात, अद्धी रात, भाई गुजर लोहार का नाम बड़ा सी, उहदे घर चले गए। उन्हों अद्धी रात जाके जगाया भी साडियां हथ घड़ियां तोड़ दे,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਲੋਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬੰਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਦੇ ਗੁੱਜਰ ਲੋਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁੱਜਰ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਬੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਰਾਜ ਰਾਜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਾਗਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧਿਆ, ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਸੁੱਤਿਓ ਚੱਲਿਆ ਵਣਜਾਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੇਦਾਰ ਜਾਗਤ ਮੁਸੀਅਤ ਹੋ ਰੇ ਭਾਈ। ਹੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਾਗਦੇ ਸੁੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਕਣਾ ਵੀ ਮੁੜ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲੱਗੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਗਤ ਮੁਸੀਅਤ, ਮੁਸੀਅਤ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਗਤ ਮੁਸੀਅਤ ਹੋ ਰੇ ਭਾਈ, ਨਿਗਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪਹਿਰੂਆ ਦੇਖਤ ਜੰਮ ਲੈ ਜਾਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੰਮ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਜੰਮ ਸਭ ਕੁਛ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੇ ਨਾਏ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਹ ਅੰਨਾ ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਦਹਿਦ ਸਤਾਵਤ ਆਵੇ ਠਾਏ। ਮਨ ਜਾਗਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਲਚ ਵੱਲ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਦਹਿਦ ਸਤਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿਜ ਧਾਵੇ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਰ ਆਵੇ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਦਹਿਜ ਧਾਵਤ ਆਵੇ ਠਾਏ, ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕੈਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਮਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਖੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਤ ਸੁਧਾਵਤ ਆਵੇ ਠਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਗਿਆ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵੀ ਦਹਿਦ ਸੁਧਾਵਤ ਆਵੇ ਠਾਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਕਿਉਂ
क्योंकि हजूर अंदे जाग के रिते बसे हर सोए बिघन इस करके नहीं लगता क्योंकि हिरदे च वाहगुरु आके वसे बिघन न को लागता गुर पै अरदास गुरु अगे उहदी हर वेले अरदास है जा के रिते बसे हर सोए कल ताती ठांडा हर नाओ कल युग का समा बड़ा गर्म है तत्ता है पर हजूर कह रहे ने ठंडा हर नाओ कोई गल नहीं परमेश्वर का नाम बड़ा ठंडा है चंदन चांदना सरद रुत मूल न मिट ही काम शीतल थी वे नानका जपंदड़ो हर नाम ऐसा है परमेश्वर का नाम कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाव उस ठंडे वाहगुरु के नाम के सहारे ही वाहगुरु के नाम ना जुड़ के ही सुख पाई दे गुरु अर्जन देव पातशाह तपाउण वाले बड़े सी पर महाराज का हिरदा उस वाहगुरु के नाम नाल जुड़न का ठंडा है ता करके सतगुरु पातशाह ने तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मंगे हे मेरे सतगुरु तेरे नाम नाल जुड़िया ही सुख है धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह दे हजूर एक सिख बा बकाला साहब तो गया उहदा नाम सी भाई साधारण लकड़ दा काम करन वाला तरखाण गुरसिख सी ते सतगुरु गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह नूं कहण लगा महाराज किरत गुजार वास्ते इधर उधर भटक रहा कोई काम कार नहीं मिल रहा ते सतगुरु पातशाह कहिंदे तेनूं काम दे दिंदे आ कोई गल नहीं वो दर बदर हुंदा बड़े थावां तो भटकदा गुरु अमरदास महाराज कोल गया धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने उन्हूं आखिया बौली साहब दियां पौड़ियां बना दे लक्कड़ गुरु अमरदास महाराज ने मंगवा के दे दित्ती वो बड़े लम्मा समा तक बौली साहब की सेवा करता रहा लक्कड़ दियां पौड़ियां सब तो पहला भाई सधारण बा बकाला साहब लगड़ा गुरसिख सी उन्हें बनाईया सीगियां जिस वेले उहदा ये लम्मे समय का कार्य समाप्त होया तो गुरु अमरदास महाराज नूं आंदा महाराज आ गया दे वापस जाना सतगुरु पातशाह ने तेरी किरत का किन्ना पैसा बनदा वो आख लगा महाराज बड़ी वड्डी सेवा है इस तो वड्डी होर सेवा की चाहिदी है ते सतगुरु अमरदास पातशाह कहिंदे नहीं फिर भी तेरी किरत है तू अपना समां दित्ता है मेहनत लाई है आख लगा महाराज मेरी सेवा प्रवान कर लियो गुरु अमरदास महाराज ने तेरी भावना नूं फल लगेगा तेरी सेवा प्रवान है कोई गल नहीं हुण तू इंज कर सतगुरु कहंदे पातशाह जिथे जाएगा तेरा कार्ज कदे रुकेगा नहीं महाराज ने काफ़ी सारी माया मदद वजों दे के ना उन्हूं एक दुकान खोल के जां दुकान खोलन वास्ते महाराज ने माया दित्ती ते पातशाह कहंदे जिथे जाके बैठेगा तेरा कार विहार रुकेगा नहीं गल ये मैं जिक्र अपना साझा तां कीता है भी जे गुरु का सहारा लैके कार्य शुरू किया जाए तो गुरु फिर बांह फड़दा है गुरु मदद भी करदा है पर उन्हां दी जिन्हां ने अपना समा कदे गुरु नूं दिता होएगा जिन्हां अपनी किरत का समा भी कदे गुरु नूं दिता होएगा ते सतगुर सच्चे पातशाह ने ऐसे गुरसिखां नूं सदा वास्ते सुख की दात बख्शी माया करके तन करके भी ते मन करके भी ता ही हजूर पातशाह कहिंदे ने भी गुरु नूं याद करिया कर मुश्किल दुख दुख सुख सिमरी तह मौजूद जिथे दुख सुख सिमरांगे उत्थे ही मौजूद हाजिर है सिमर सिमर सदा सुख पावो सिमर सिमर सदा सुख पाओ भाओ बिनसै पूर्ण होए आस डर मुक जांदे ने मन की आस पूरी होंदी भगत भाए आत्म प्रगास परमात्मा की प्रेमा भगती दे नाल आत्मा दा आत्मा च प्रकाश हुंदा हिरदे अंदर गुरु दे ज्ञान दा महाराज दे शब्द दा प्रकाश हुंदा आत्मा दे विच तित घर जाए बसे अविनाशी ओह हिरदा जिहड़े विच वाहिगुरु दे ज्ञान दा प्रकाश हुंदा है ओह परमात्मा दे दर ते प्रवान हुंदा है अविनाशी वाहिगुरु परमात्मा दे घर सदा वास्ते थिर होके टिक जांदा है पातशाह कहिंदे जिहड़ा एक थां टिक गया जिहड़ा तित घर जाए उस वाहिगुरु दे घर जाके सदा वास्ते ही बसै अविनाशी अविनाशी वाहिगुरु दे
सदा वास्ते शरण विच बह के वह अभेद हो गया। दूजी विचार इसका अर्थ विद्वान इस तरह भी करते ने, तित घर जाए बसे अविनाशी, भी जिहड़ा वाहिगुरु परमात्मा आ वह जागे हुए मन दे विच अविनाशी वाहिगुरु आप आके सदा वास्ते घर वसेवा कर लैंदा, वस जाता है। कहो नानक काटी जम फासी, जिहदे हिरदे रूपी घर च अविनाशी वाहिगुरु सदा वास्ते वस गया, उहदी जमा ने सदा वास्ते फाही कट दित्ती। तत विचार कह जन साचा, जिहड़ा वाहिगुरु दी तत दी विचार असलीयत अकाल पुरख दे गुणा दी विचार जिहड़ा करदा है, कहिंदे मारक ने तत विचार कह जन साचा, ओ जन ओ मनुख सच्चा है जिहड़ा रब दी सिफत सलाह करदा है, जिहड़ा वाहिगुरु दे गुणा विच जुड़दा है। जन्म मरै सो काचू काचा, जिहड़ा जन्म जिहड़ा वाहिगुरु तों टुट के जमदा ते मरदा है सुरत करके मन करके। कई ऐसे जन्म मरन भी दो तरह का ना, एक शरीर तो बाद एक शरीर दे हुंदिया, शरीर दे हुंदिया मैंने जमीर करके कई बार जमना ते जमीर कर कई बार मरना, कई बार माया दे लालच विच भी जमीर मरदा है ते कई बार सुरत करके जाग जांदा भी नहीं ये बेईमानी नहीं करनी, ये भी जन्म मरन है एक। ते गरीब नवाज पातशाह कहिंदे ने जन्म मरै सो काचो काचा, जिहड़ा जन्म करके मरदा है सुरत करके जिहड़ा आत्म अंदरों बार बार मरदा है वह मनुख सदा वास्ते कच्चा है। आवागमन मिटे प्रभ सेव, आवागमन मुक जांदा है पर मालक की सेवा करके। आप त्याग शरण गुरदेव, अपनी होमे त्याग के गुरु की शरण विच पैना बड़ी वड्डी दात है। जिन्ना होमे त्याग के सतगुर की शरण माणी, सतगुर सच्चे पातशाह कहिंदे सदा वास्ते मालक कोल खुशियां लैके गए, सदा वास्ते। आप त्याग बेनती करो लेहो प्रभु लड़ लाए, मेरे महाराज नूं बेनती भी ये करनी होमे त्याग के महाराज सदा वास्ते लड़ लाला, तोड़ी ना छड़ी ना छड़ाई ना, सदा वास्ते। ते जिन्ना गुरसिखां ने ऐसियां बेनतियां करियां ने सदा वास्ते जुड़ गए। गुरु अमरदास महाराज कोल दो सिख आए, भाई फिरिया ते कटारा दुआबे दे रहण वाले सी, सिखी इन्हां गुरु अंगद देव साहब वेले धारण कीती सी, आउंदे जांदे सी गुरु साहब जी दे दर्शन करन वास्ते। गुरु अमरदास वेश पातशाह वेले भी आए, किरत विहार खेती करदे सीगे। इन्हां ने आख्या गुरु अमरदास महाराज साडे इलाके च जोगियां ने बड़े मठ बना दिते, ते जिहड़े बहुत सारे भोले भाले लोग ने जोगियां दी मत विच आ के जोगियां दी गल्लां विच आ के अपना गृहस्थ परिवार छड्ड के ते जोगी बनदे जा रहे ने, महाराज की कीता जावे इन्हां बारे। ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहिंदे भी अपने इलाके च धर्मशाला बनावो, वध करके गुरसिखी का प्रचार करो, किसी नूं जबरदस्ती प्रेरणा नहीं, गुरु की मत शब्द नाल जोड़ना प्रेरणा है। दोहां भरावां ने अपनी किरत का समा अपनी खेती चो समा कढ़ के ना सवेरे ते शाम नूं धर्मशाला विच गुरु शब्द की विचार करनी शुरू कर दिती, अपने घर ही धर्मशाला बना ली। हौली हौली आस पास संगत आउण लग पई, जेडे उन्हां दे इलाके उन्हां दे पिंड दे लोक जोगी बने सी उन्हां दोनां गुरसिखां दे शब्द दी विचार नाल लोक समझ गए भी नहीं जोगियां ने सानूं लुट्टण वास्ते अपना प्रबंध कीता होया, इह सानूं साडा परिवार उजाड़ के जाना चाहुंदे हन। पर गुरु दे सतगुर दे शब्द दे शब्द दे नाल जिन्हां जिन्हां दी सुरत जुड़ी समझ आई उन्हां अपनी होमे त्यागी अपना पछाणिया ते गुरु नाल सदा वास्ते जुड़ गए। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੀ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਿਆ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਉਹ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਗਿਆ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ। पर उस मनुखा जन्म नूं गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहिंदे भी रतन है बड़ा वड्डा कीमती है, इउं रतन जन्म का होए उधार। हे बंदे गुरु दी शरण विच पै के होमे त्याग के गुरु दे शब्द दा सहारा लै के ना
जन्म का जिहड़ा रतन जन्म है दा उधार होएगा। हर हर सिमर प्राण आधार, जिहड़ा वाहिगुरु परमात्मा प्राणा का आसरा प्राणा का सहारा है उन्हूं सदा वास्ते सिमर। अनक उपाव न छूटन हारे, अनक उपाव मैने अनेक तरह के होर कर्म कांडा वाले वहम भरम पखंड ये उपाव जिहड़े करने ने ना ये मन छुटेगा नहीं बंधना तो, ये मन कदे भी आजाद नहीं होएगा। अनक उपाव ना छूटन हारे, सिमरत सास्त वेद विचारे। सिमरतियां शास्त्र इस गल की विचार कर दियां ने, सिमरतियां शास्त्र वेद इस गल नूं समझाउंदे ने की कहिंदे ने, कहिंदे सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। इस करके हजूर कहिंदे बंधना जिहड़े मन दे बंधन है ना, वकार ऐब ऐब होर कर्म कांड वहम भरम पखंड वाले, इन्हां दे नाल मन छुटेगा नहीं। ये गल बारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे ये भी गल कहिंदे हन, हर की भगत करो मन लाए। हरी वाहिगुरु की भगती करनी है तो मन ला के कर, भावें थोड़ा समा ही लगे, भावें मन थोड़ा समय लगे। कई बार ऐसा भी हुंदा है असी ख्याल करते हैं भी बाणी पढ़ते हैं मन नहीं लगता, पाठ करते हैं मन नहीं जुड़ता, भले असल मकसद ही ये है जो मन ही जुड़ गया फिर तो अवस्था ही बड़ी उच्ची है। मन ही तो जोड़ना है, असी कहने पहला मन जुड़े फिर पाठ करांगे, पर नहीं पाठ करना ही इस करके मन जुड़ जाए। असी चाहते पहला जुड़िया जुड़ाया मन होवे तो फिर जाके बाणी पढ़े, नहीं भटकया होया मन है जिहड़ा दैद सिधावत आवे ठाए बन जाएगा। ये भटकया होया मन एक थां टिकेगा ही तां जो शब्द का सहारा इहनूं देंगे। जो मंदर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन। इस मन डिगे हुए नूं शब्द का सहारा जो मिलना शुरू है टिकना अपने आप शुरू हो जाएगा। असी पहले असी तां करके कई बार बाणी पढ़नी छड्ड जाने, पाठ करना छड्ड जाने, वी मन नहीं टिकदा, मन नहीं लगता बाणी पढ़दे आ। असी वो अवस्था पहला पाउणी चाहुंदे आ जिहड़ी बाणी पढ़न तो बाद आउणी आ, पर सतगुरु पातशाह कहिंदे नहीं प्यारे अपना नियम निभा, नियम निभण नाल इह अपने आप टिकेगा। पातशाह कहिंदे ने हर की भगत करो मन लाए, मन ला के सुरत जोड़ के मालक नाल जुड़ना कर। भगती ऐसी मन बंशत नानक फल पाए, जदों मन करके चित सुरत जुड़ी होवेगी मालक दे चरणा विच ते उस वाहिगुरु दे दर तों मन बंशत नानक फल पाए। नानक जी कहिंदे मन से फल प्राप्त हो जाणगे उस वाहिगुरु नाल जुड़िया होया ही। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने रहमत कृपा की है, सतगुर के शब्द राही ही महाराज ने इसनों जो समझाया है उसनों विचारन की कोशिश करिए। विचार करदियां होईयां भुलां दी खिमा बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।